आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के बुरे दिन आज से शुरू हो चुके हैं। दरअसल चीन उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के मामले में अब कुछ नरम दिखाई दिया। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की 1267 समिति की बैठक से पहले चीन ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचाने के लिए जड़ंगा लगा रहा था उस पर फिर से विचार करेगा। ऐसे में आज इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर चीन अपनी बात पर कायम रहता है तो इसे भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 3 सालों में भारत ने कई बार अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करवाने की मांग संयुक्त राष्ट्र में उठाई थी, लेकिन हर बार चीन इसमें रुकावट बनता नजर आया और खासकर पुलवामा हमले के बाद अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश चीन पर दबाव बनाते रहे कि वो अजहर पर कोई सख्त फैसला ले।